दिनों से काफी ज्यादा हाइप क्रिएट हो रही है मैकडोवल नंबर वन को लेके, और मुझे इंस्टाग्राम में काफी ज्यादा डीएम्स आ रहे हैं जिसमें लोग मुझे बोल रहे हैं कि मैकडोवल नंबर वन का एक रिव्यू किया जाए। तो आज मैंने बाय की है मैकडोवल नंबर वन की बॉटल। बताऊंगा आपको ये पीने में कैसी है, क्या इसका टेस्ट है, क्या सच में ये इतनी ज़्यादा बेहतर हो गई है कि ये दूसरे ब्रांड्स को इतना पीछे छोड़ गई है, या फिर सिर्फ एक ये फेक हाइप है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों ये है बॉक्स मैकडोवल नंबर वन ओरिजिनल विस्की का। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा कि ये 1800s में बनना स्टार्ट हुई थी, और उसके बाद बॉक्स का कलर कैसा है, ये जो डिज़ाइन है ये फ्रेंडशिप के ऊपर बना है, क्योंकि भाई लोगों को काफ़ी कुछ पता है इसके बारे में। स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका रिव्यू करेंगे, जल्दी से बॉटल बाहर निकालता हूँ और बात करेंगे इसके इंग्रेडिएंट्स के ऊपर कि इसमें क्या कुछ पड़ा है। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, मैंने ये 660 रुपीज़ की जलंधर पंजाब से बाय की है, और बाकी स्टेट में भी ये इसी प्राइस रेंज में आपको मिल जाएगी। दिल्ली में, चंडीगढ़ में ये 500 के आसपास आपको मिल जाएगी। कंपनी का दावा है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ ग्रेन स्पिरिट्स का यूज़ किया गया है, इसमें बिल्कुल भी मोलासिस नहीं डाले गए, तो ज़्यादा मैं इसके ऊपर बातें नहीं करूँगा। इसमें दोस्तों डला है डी मिनरलाइज वाटर, ग्रेन न्यूट्रल स्पिरिट्स, मॉल्ट स्पिरिट्स, स्कॉच का यूज़ इसमें किया गया है। दोस्तों एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें एडिट कलर्स हैं, और एडिट कलर्स के साथ साथ इसमें एडिट फ्लेवर्स भी डाले गए हैं। किसी भी चैनल ने इसके ऊपर बात नहीं की कि इसमें एडिट फ्लेवर्स भी डाले गए हैं। तो अब जल्दी से इसको पोर करते हैं ग्लास में, करते हैं इसकी नोजिंग और टेस्ट। दोस्तों ये 750 ml की बॉटल है, और जो इसमें आपको अल्कोहल स्ट्रेंथ मिलेगी ये 42.8% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मिलेगी। हमारी बॉटल ओपन हो गई है, अब जल्दी से इसको पोर करते हैं। दोस्तों मैं अपनी लाइफ में पहली बार ही मैकडोवल को पीने लगा हूँ। मैं 33 इयर्स का हो गया हूँ, लेकिन आज तक मैंने कभी मैकडोवल नंबर वन नहीं पी। पहली बारी ही मैं इसको नोज करूँगा, और पहली बारी ही मैं इसका टेस्ट करूँगा। चीयर्स। भाई एक बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि इसमें अल्कोहल का पंच मुझे नहीं मिला। जी हाँ, ये बात मुझे अच्छी लगी, सच में इसमें अल्कोहल का पंच हमें नहीं मिलेगा। वेरी स्मूथ ऑन नोजिंग, ये सच में मैं भी हैरान हूँ कि नोजिंग में तो यार काफ़ी अच्छी लग रही है। काफी मेलोड है नोजिंग के ऊपर, अब जल्दी से इसको टेस्ट करते हैं। चीयर्स। गाइस अल्कोहल का बर्न आपको मिलेगा, ये कहना झूठ होगा कि बिल्कुल स्मूथली बटर जैसे, मक्खन जैसे मेरे नीचे गई। नहीं भाई, आपको अल्कोहल की बाइट इसमें मिलेगी। हल्की हल्की ग्रीननेस इसमें मुझे मिल रही है, लेकिन अल्कोहल की बाइट मुझे मेरी टंग के ऊपर प्रॉपर महसूस हो रही है। बहुत ज़्यादा फ्लेवर्स मुझे इसमें नहीं मिल रहे, हल्की सी वुडीनेस और हल्की सी स्पाइसीनेस मुझे मिल रही है। थोड़ा सा मैं इसको डाइल्यूट करना चाहता हूँ, थोड़ा सा डाइल्यूट करते हैं इसको। गाइस थोड़ा सा मैंने इसमें पानी ऐड किया है, अब दोबारा से मैं इसको टेस्ट करता हूँ। चीयर्स। दोस्तों सच बताऊं तो बहुत ज़्यादा मुझे कोई फ्लेवर्स इसमें नहीं मिल रहे हैं कि मैं आपको बोल दूं कि वुडी फ्लेवर मिल रहा है, लेकिन जैसे जैसे मेरे नीचे जा रही है हल्की हल्की, मुझे ऐसे लग रहा है कि कैंची के साथ, सीजर के साथ कुछ मेरा कट रहा है। इसमें आपको अल्कोहल की बाइट मिलेगी, लेकिन बिल्कुल हल्की सी आपको इसमें फ्लेवर्स भी मिलेंगे, हल्की सी स्पाइसीनेस, और अब मुझे हल्की सी वुडीनेस इसमें मिलनी स्टार्ट हो गई है।
बहुत ज्यादा स्मूथ मैं नहीं बोल सकता कि जैसे लोग बोल रहे हैं कि काफी स्मूथ है, मक्खन की तरह नीचे जा रही है, मुझे इतनी स्मूथनेस इसमें नहीं लगी। दोबारा से एक बार टेस्ट करता हूं। दोस्तों आज जो मैं इसको रेटिंग दूंगा अकॉर्डिंग टू टेस्ट, जैसा मुझे लगा है, अकॉर्डिंग टू इसमें एडिट फ्लेवर्स डाले गए हैं और अकॉर्डिंग टू मैंने इसको 660 रुपीज में लिया है, भाई मैं इसको दूंगा 6.8 आउट ऑफ 10। जी हाँ, अगर मैं कहूँ बहुत ज़्यादा स्मूथ है, नीट पीने में बहुत इजीली नीचे जा रही है, इसमें एप्पल्स मिल रहे हैं, इसमें वुडीनेस मिल रहे हैं, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेके इसको बाय मत करो कि इसमें आपको काफ़ी अच्छा टेस्ट मिलेगा। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ। टिल देन चीयर्स, पियो और जियो।